हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपन लोग पढ़ेंगे जूनियर क्लास का पहला चैप्टर सेट्स के बारे में, कि सेट्स के बारे में अपन सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सरल चैप्टर है। तो सबसे पहले इस शब्द से ही बिल्कुल अपन को क्लियर हो जा रहा है कि सेट क्या है, कि एक तरह का संग्रह है, एक कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में कि 52 पत्ते क्या है कि एक ताश की गड्डी में रखे होते हैं, तो वो क्या होता है, यह एक ताश की जो गड्डी होती है वो क्या होता है, 52 पत्तों का एक सेट होता है। 52 पत्तों का एक सेट होता है, मतलब मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि यह सेट जो है एक संग्रह है वस्तुओं का, या वस्तु के स्थान पे अगर आप बोलना चाहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं या सदस्य बोल सकते हैं। इस सब के सब क्या हैं, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेट्स क्या है, सेट्स क्या है कि जो वस्तु हैं या कोई सदस्य है या मान लो कोई अवयव है, उनका एक सुपरिभाषित संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिया कि भाई 52 पत्तों का एक संग्रह, वो क्या है, एक समुच्चय के अंतर्गत आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं ताश की गड्डी किसी भी व्यक्ति को दे दूं तो कोई भी व्यक्ति जो जानकारी रखता है ताश के पत्तों के बारे में, वो बताएगा कि अपने पास में लाल पान के 13 पत्ते होते हैं इस ताश की गड्डी में, चिड़ी जिसे क्लब बोलते हैं KB13 कार्ड्स होंगे, उसी प्रकार से हुकुम जिसे स्पेड बोलते हैं KB13 कार्ड्स होंगे, इसी प्रकार ईंट जिसे डायमंड बोलते हैं KB13 कार्ड्स होंगे। तो इसका मतलब है कि उस 52 पत्तों में सबका मत जो है वो समान है कि भाई यही 52 पत्तों में इतने तरीके के पत्ते होते हैं, राइट। इस कारण से एक सेट हो गया। दूसरा एग्जांपल थोड़ा समझाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है। जैसे मैंने मान दिया, आपसे बोल दिया कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है उसमें स्वरों अर्थात वॉवल्स का समुच्चय होता है या नहीं। हाँ, समुच्चय है। तो समुच्चय कैसे है, क्योंकि वॉवल्स के बारे में अगर अंग्रेजी लेटर में कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो कोई व्यक्ति बोलेगा साहब ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इसमें सबका मत समान है, जो भी वॉवल्स के बारे में जानता है लेटर में अंग्रेजी के, वो सब बोलेंगे कि साहब इतना ही होता है। तो इस तरीके से कि ऐसा कोई संग्रह जिसमें समस्त जितने भी लोग हैं सबका मत जो है एक ही हो, वो संग्रह जो होता है हमारे पास में क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और ऐसे ही संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह या वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब ऐसा कलेक्शन जो किसी नियम से या किसी रूल से आपस में एक तरीके से जुड़ा होता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो दूसरे एग्जाम्पल में अपने पास में जैसे ले लिया हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है या नहीं। हाँ है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर कोई व्यक्ति पूछे तो कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानकारी रखता है सबके सब यही बोलेंगे कि भाई धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से सबका मत इसमें समान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक समुच्चय होता है। तीसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि भाई आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया कि विश्व के टॉप 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय, विश्व के टॉप 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय। अब इसमें बताओ कि ये क्या है, सेट है या नहीं। तो अब इसमें हमें पहले पहचानना है कि इसमें सबका मत एक समान है या नहीं। तो देखो टॉप 10 खतरनाक जानवर, अब खतरनाक जानवर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो वो बोलेगा साहब मेरे लिए सबसे खतरनाक तो होता है क्या, चीता होता है, सबसे खतरनाक तो मान चीता होता है, दूसरे नंबर पे शेर आता है, तीसरे नंबर पे बा इस तरीके से एलिफेंट आता है, चौथे पे डॉग आता है, ऐसे से बोलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको किसी कुत्ते ने अगर मान लो काटा हो तो दूसरा व्यक्ति ये बोलेगा यार कुत्ता सबसे खतरनाक होता है, उसके बाद में कोई दूसरा जानवर का नाम ले सकता है, जैसे उसके बाद बोलेगा भाई चीता होता है, उसके बाद बोलेगा तेंदुआ होता है। तो इसमें हर एक व्यक्ति का जो मत होता है वो उनके हिसाब से, जिससे उनको डर लगता है वो अपने हिसाब से बोलता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसमें सबका मत जो है विश्व के टॉप 10 जानवरों के समुच्चय में सबका मत एक जैसा नहीं है। इस कारण से अगर ए एग्जाम्पल में आए तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं बना रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें कि भारत देश के टॉप 10 खिलाड़ियों का समुच्चय, टॉप 10
खिलाड़ियों का समुच्चय। किसी ने अगर बोल दिया कि बताओ ये सेट है या नहीं, तो अब इसमें भी सबकी कंडीशन देखो सेम है। कोई व्यक्ति जो है टॉप 10 के लिए बोलेगा फुटबॉल वाले खिलाड़ी, कोई व्यक्ति जो है टॉप 10 में क्रिकेट वाले खिलाड़ी बोलेगा, कोई व्यक्ति टेनिस वाले बोलेगा, है ना, कोई व्यक्ति खो खो वाले बोलेगा। तो सबका मत क्या है, उसके फेवरेट जो खेल है उसके हिसाब से टॉप 10 खिलाड़ी चुनेगा। यहाँ सबका मत क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इस हिसाब से ये क्या है सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो समुच्चय को पहचानने के लिए सबसे पहली बात जो आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि कोई भी संग्रह जो है वो सेट तभी होता है जब उसमें सबका जो मत है वो एक है। तो यहाँ पर आपके सामने वही बातें आपको थ्योरी के रूप में लिखी गई हैं। तो इसका जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आप इत्मीनान से देख सकते हैं। बाकी जो मैं बात बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनते चलें। तो यही हमने बात बताई है कि भाई वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये हमने बता दिया दिस इज द सेट। और इसी वस्तु को या वस्तु बोलो या इसी को हम अवयव या एलिमेंट बोलें या इसी को हम मेंबर या सदस्य बोलें, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई संग्रह जिसमें सबका मत एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये बातें हमने यहाँ पर एक थ्योरी के माध्यम से लिखा है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जो व्यक्त करते हैं समुच्चय को, हम व्यक्त करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। और इसके अंदर जो अवयव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, जैसे स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया। सपोज करो कि मान लो किसी भी समुच्चय में कोई अवयव है स्मॉल ए और मुझे उसको लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ऐसे मिडिल ब्रेकेट के अंदर ए होता है मिडिल ब्रेकेट या मझला ब्रेकेट, या इसी को मझला ब्रेकेट बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रेकेट ए, इसका मतलब ए जो है स्मॉल ए इस कैपिटल ए समुच्चय में एक सदस्य है। क्या है, यह एक सदस्य है या एक अवयव है या एक वस्तु है, ठीक है। जिसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मान लो यहाँ इसका अवयव, तो हम लिखते हैं ए बिलोंग टू ए, ये देखो किसका चिन्ह है, बिलोंग का, किसका चिन्ह है बेटा, बिलोंग, बिलोंग मतलब होता है संबंध रखना, ए बिलोंग का संबंध रखता है। अगर मान लो कोई भी अवयव है इसमें संबंध नहीं रखता है, मान लो इसके अंदर नहीं है, जैसे मान लो स्मॉल बी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल बी इसमें नहीं है, तो इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग, मतलब स्मॉल बी इसमें संबंध नहीं रखता है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ जानकारियां अपन लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारियां लेते हैं। ये हमने बता दिया आपको, ये हमने यहाँ पर लिखवा दिया, जो हमने भी बताई सारी सारी बातें वही हैं। इसे कुछ उदाहरण बताते हैं, उदाहरण हमने आपको बताया है, जैसे कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिया भी है, लिखा भी है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या के बारे में जिनको मालूम है, जैसे मान लो मैंने 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या को अगर कैपिटल एम से लिखा, तो डैश 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 आप कह सकते हो कि -3 -1 1 3 5 7 9, ये सब के सब क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो यदि किसी व्यक्ति को इसके बारे में मालूम है डिफिनेशन, तो निश्चित है वो यही बताएगा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसका मतलब यह एक समुच्चय है। भारत की नदियां, अब भारत की नदियां एकदम निश्चित है, फिक्स है। कोई व्यक्ति से अगर पूछो भारत की नदियां, अगर उसको नदियों के बारे में जानकारी है, तो निश्चित है कि वही नदियां बताएगा। या फिर उसमें अगर आप पूछो कि नील नदी क्या है, तो नील नदी निश्चित है भारत की नदी नहीं है, ये बाहर की नदी है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसको नदी के बारे में मालूम है, वो निश्चित है एक ही तर्क देगा, एक ही मत देगा, इस हिसाब से भारत नदियां भी समुच्चय हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको आप सरल करो तो एक्स की वैल्यू सिर्फ दो ही आएगी, 2 आएगी या तो 3 आएगी। इसका मतलब क्या है कि यह फिक्स है, एक्स इज आइदर 2 और 3, तो दो ही वैल्यू इसकी आएगी। इसका मतलब क्या है, इसके जो मूल हैं, जो शून्यांक हैं, जो जीरोज हैं, वो क्या है, 2.3 है। इस कारण से यह भी एक तरह से समुच्चय है, ये फिक्स है। विश्व के सबसे, अभी मैंने वही एग्जांपल लिया था, जो एग्जांपल यहाँ पर लिया था वही एग्जांपल फिर से आ गया, विश्व के सबसे खतरनाक 10 जानवरों का समुच्चय। तो 10 जानवरों के हिसाब अगर देखा जाए तो सबका मत एक जैसा नहीं है, इस कारण से समुच्चय नहीं होगा। विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों का संग्रह, वही बताया था हमने, टॉप 10 खिलाड़ियों में कोई क्रिकेट का बताएगा, कोई फुटबॉल का बताएगा, कोई टेनिस का टॉप 10 बताएगा, जो जिसका फेवरेट खेल है उसके हिसाब से वो बताएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें सबका मत एक जैसा नहीं है, इसलिए दिस इज अ नॉट अ सेट। सो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, यही नहीं आगे वाले समय में जब तक सेट आप कम्पिटेटिव लेवल का पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। सेट में हम कुछ संख्याएं हैं जिनका नामकरण आपको बताएंगे, वो चीज़ें आप जरूर जानते रहें। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम किससे लिखते हैं, पूर्णांक संख्या को किससे लिखते हैं, पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं, ये ज़्यादा लिखेंगे। तो देखो आपके सामने है, जैसे प्राकृतिक संख्या को हम हमेशा कैपिटल एन से लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे।
पूर्णांक संख्या को हम कैपिटल जेड से लिखते हैं, परिमेय संख्या को क्यू से लिखते हैं और वास्तविक संख्या को हम के समुच्चय को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। धन पूर्णांक समुच्चय को हम लोग धनात्मक जेड प्लस से लिखते हैं और धन परिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू प्लस से लिखते हैं और धन वास्तविक संख्या के समुच्चय को आर पॉजिटिव से लिखते हैं। ये चीज़ें आप जानते रहें। इसमें जानने से क्या है कि आगे जब भी कभी आपके सामने ए लेटर दिए जाएंगे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है या पूर्णांक संख्या का समुच्चय है या परिमेय संख्या का या किसी अन्य का समुच्चय है। तो ये बातें हम लोगों ने सीख ली। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि भाई जो समुच्चय होता है उसको लिखते कैसे हैं। तो समुच्चय को हम बेटा दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अंकों में लिखना। सिंपल से क्या बोल सकते हैं, अंकों में लिखना। जैसे रोस्टर रूप में क्या होता है कि आपके सामने मान लो दे दिया हमने एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। हमने आपके सामने ऐसे दे दिया प्राकृतिक संख्याओं का एक क्या है, समुच्चय है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखने का तरीका जो होता है, हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे। मतलब क्या है कि इसमें जितने भी अवयव होने चाहिए, एक बात ध्यान रहना चाहिए इसमें किसी भी अवयव के रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अवयव चाहे दो को पहले लिखो, एक को बाद में लिखो, चार को पहले लिखो, तीन को बाद में लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, इसमें क्रम का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी समुच्चय अगर रोस्टर रूप में लिखते हो तो उसको पहला नंबर तो मजले ब्रेकेट में लिखना है, जितने अवयव उनके बीच में कॉमा लगाना है, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, अर्थात पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नहीं करनी है। और क्रम का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी को पहले लिखो चाहे किसी को बाद में लिखो। तो ये तो लिखने का है रोस्टर रूप, ठीक है। अब अपन चलते हैं दूसरा वाला तरीका जिसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में बेटा हम किसी भी समुच्चय निर्माण रूप में हम किसी भी सेट को इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैंने मान लो कि आपके सामने बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको आप रोस्टर रूप में लिखो, का समुच्चय इसको आप रोस्टर रूप में लिखो। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका होता है बेटा एन इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ ये सच दैट है, इसको इस कोलन का चिन्ह लगा हुआ है, सच दैट बोलते हैं, पी एक्स। इसका पहले मतलब समझा दूं, एक्स तो क्या होता है, ए इस प्राकृतिक संख्या का अवयव है। अवयव कैसा है, अवयव जो कि पी एक्स, पी एक्स मतलब जिसका गुणधर्म क्या है, ए वाला है। मतलब क्या है, यहाँ तो अवयव एक्स हमेशा लिखते हैं और उसके बाद सच दैट लगाते हैं या कोलम का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद में हम उसके गुण को लिखते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे आपके सामने, यहाँ देखो मैंने प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय ले लिया, अब उसके बाद बताया इसको भाई आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो हमने क्या लिख दिया, पहले तो अवयव लिख दिया, फिर सच दैट लगा दिया। अब यक्स का गुण क्या है, यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमने प्राकृतिक संख्या को किसी अवयव एन से व्यक्त कर दिया, क्योंकि प्राकृतिक क्या होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है। हमने यहाँ पर इतना सारा ना लिख करके बल्कि डायरेक्टली स्मॉल एन लिख दिया। अब इस स्मॉल एन को हमने बता दिया एक ऐसा है, एक कैपिटल एन से बिलोंग करने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। या अगर मान लो इसको समझते बहुत टफ है तो इसको हम डायरेक्टली सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू ex सच दैट x, अब ex जो कि x, एक कोलन का चिन्ह क्या बोलता है, सच दैट, या जो कि कैसा गुण व्यक्त करता है, एक प्राकृतिक संख्या का गुण व्यक्त करता है। x एक ऐसा अवयव है जो कि प्राकृतिक संख्या के गुण को व्यक्त करता है, जो नेचुरल नंबर के सेट को नेचुरल नंबर के कलेक्शन को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय की डिफिनीशन क्या है और समुच्चय के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं, तो आप इसको एक बार इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लो और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, क्योंकि लेक्चर अब इसका शुरुआत हो गया है, बाकी के सारे टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे कंटिन्यू। आप इसको कम्प्लीटली क्या है, नोट्स भी बनाएं, लिखें और इसको समझें, आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसको भी करें और कुछ इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।